हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये है सालविया फ्लावर प्लांट। ये स्पाइक प्लांट्स हैं और इसको ये प्लांट ज़्यादा धूप और कम धूप दोनों ही सहन कर लेता है। पानी हमें तभी देना है जब इसके ऊपर की मिट्टी सूख जाए। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्लांट में 10 दिन के बाद में इन प्लांट्स में हमें खाद देते रहना है। खाद के अंतर जैसे सरसों खली हुई और वर्मी कंपोस्ट हुई या गोबर की खाद हुई, पानी में डाल के रात को भिगी रहने दो और सुबह इनको इन प्लांट्स में दे दो। और थोड़ी सी इसमें फंजीसाइड पाउडर भी मिला दो और इनको ज़्यादा ठंड से बचाना है। ज़्यादा ठंड भी नहीं चाहिए, अगर हो रही हो तो तब इनको अंदर रखना है, और वैसे इनको हल्की धूप में प्लांट्स को रखना है। और ये अलग अलग कलर्स में आते हैं, इसमें ब्लू कलर, हल्का येलो कलर, ये मेरे पास रेड कलर की है। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। अब तो इनकी जैसे ऊपर वाली पत्तियाँ चली गई हैं। और प्लांट खरीदने समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अलग अलग ब्रांचेस वाले ये प्लांट्स लेने हैं। जैसे मेरे पास तो ये तीन तीन ब्रांचेस वाले हमारे भैया लेके आए थे, लेकिन आप वो प्लांट देखो जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस आ रही हों, फिर उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग हो। अगर ये फ्लावर जिस टाइम ये ख़त्म हो जाते हैं तो उसको हम डंडी पूरी नीचे से हटा देनी है। और ये मेरे को रेड कलर बहुत पसंद है, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे काफ़ी लाए हों प्लांट अलग अलग उसमें रखे हुए हों, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और पूरे झुंड में रखे हुए ये प्लांट भी बहुत अच्छे लगते हैं। इन प्लांट्स में हर 10-10 दिन के बाद में इनको आप वर्मी कंपोस्ट और वो इसका मिला के सारा गोल वो देते रहो। ओके गाइस, बाय बाय।